इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी उन्नू शराब देगा तू गोली तो मारी जाएगी। दस मांगे क्यों मानी है, वो भी नहीं माननी चाहिए थी। देखो अब तुम राहुल गांधी की बात कर रही हो। राहुल जी आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का रोजगार देते हैं। कोई आंदोलन ऐसा आंदोलन में जेसीबी और उन्नू संग लेके जामे, ऐसी सोच ही देश में देश के लिए हानिकारक है। ये सब आतंकवादी हैं। अपने टाइम से बंगाल में राज कर रही है तो भ्रष्टाचार खानदान में करा होगा, भाई भतीजा बात करती है तो ये सब पप्पू और बेवकूफ। रेडी, नमस्कार जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के दिल सीपी में हम आ पहुंचे हैं और मुद्दा सबसे सिंपल है, सबसे साफ है और सवाल भी सबसे साफ है कि 2024 के चुनाव नजदीक है लेकिन जो हमारी दिल्ली की सीमा है उस पर तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। अब देखना यही रहेगा कि 24 के चुनाव में मुद्दा क्या रहता है, क्या किसानों को जनता जो है वो मुद्दा मानती है या फिर उनके हिसाब से मुद्दा कुछ और रहने वाला है। सीधा चलते हैं जनता के पास ज्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए और पूछते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय जी क्या लग रहा है, 24 का चुनाव नजदीक है और तनाव बॉर्डरों पे लगातार बना हुआ है। आज जिस तरीके की बॉर्डरों पर झड़प और पुलिस और किसान के बीच देखी गई थी, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए दबाव का आंदोलन है। हाँ। इसमें मांग का आंदोलन हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि किसान बड़ा शांति प्रिय होता है। हाँ। और किसान जब अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करता है तो एक लिखित पढ़त के तरीके से करता है, ज्ञापन देता है डीएम को ताकि प्रधानमंत्री तक पहुंचे। लेकिन हमने इस आंदोलन का स्वरूप देखा जो अपने आप को किसान आंदोलन कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया गया। हाँ। और उन लोगों को मारा गया जो हमारी रक्षा करते हैं। किनको? पुलिस वालों को। ये खबर कहाँ से आई आपके पास? हमने वीडियो देखा जी। अच्छा। कौन सी वीडियो, कहाँ पे थी ये वीडियो? ये सोशल मीडिया में चल रही थी एक वीडियो। अच्छा। कि वहाँ पे मारे जा रहे हैं पत्थर। हाँ। उनको तो हम ऐसे उपद्रवियों को किसान नहीं मान सकते। एक पहलू को देख कर बोल रहे हैं, दोनों पहलू को देख कर बोल रहे हैं? हम दोनों पहलू को देख कर बोल रहे हैं। जो पहले किसान यहाँ पे आए थे तब भी एक बार उपद्रव हुआ था, लेकिन जो किसान असलियत में बैठे थे, जो भी सरकार के बीच में समझौता हुआ, कानून वापस हुए तो हुए, उनकी मांग के अनुसार हुए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उनकी कोई मांग है, जायज मांग है, तो सरकार को वो जायज मांग माननी चाहिए। तो उनकी मांग तो जायज है, वो तो बोल ही रहे हैं कि हमारी मांग जायज है, इसीलिए तो हम सीमाओं पे डटे हैं। आंदोलन किसान का है, किसान आंदोलन है। मांग क्या है? नीलम आजाद को रिहा करो, उसके सारे मुकदमे वापस करो। तो आप ये बताइए, ये आपके किसानों की मांग है या कोई और आंदोलन? वो किसान जो बैठे हैं जो मांग कर रहे हैं वो किसान है या कोई और है? हम वही तो पूछ रहे हैं सब लोगों से कि अगर आप किसान हैं तो ये उपद्रव क्यों हो रहा है? किसान तो उपद्रव करता ही नहीं है। किसान तो शांत प्रिय होता है। तो इसलिए देश के मन में ये संशय है कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है। आंदोलन से आपकी मांग तो पूरी हो नहीं रही है, आंदोलन से तो नेता ही पैदा हो रहे हैं। अगर आंदोलन से आपकी मांग पूरी होती तो समझ में आता है। एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, वहां से एक नेता पैदा हो गया जिसका नाम केजरीवाल है, मुख्यमंत्री बैठा दिल्ली का बनके, कहता किसानों आओ पानी भी दूंगा बिजली भी दूंगा, अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको लैट्रिन की सुविधा भी यहाँ पे बना के दूंगा अस्थायी रूप से। तो हमें उस पर आपत्ति नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा आप किसानों पे खर्च करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता कहलाते हैं। डाउट है आपको जो किसान हैं? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, किसानों से एक बार ये बात क्यों नहीं कहते कि दिल्ली में मेरे 3 करोड़ जो परिवार हैं उनके बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है फरवरी मार्च में। हाँ। आप 2 महीने बाद आ जाइए। हाँ। वो तो आप वहाँ पे अपील नहीं कर रहे हो किसानों से। किसान तो लेकिन केंद्र सरकार से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सुन ले। तो क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है? हाँ। आम आदमी पार्टी का एक मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा है, देश की राजधानी दिल्ली में। हाँ। एक मुख्यमंत्री पंजाब में बैठा है। पंजाब में किस तरह से हो हल्ला हो रहा है, हरियाणा की मीटिंग में भी मौजूद थे वहाँ के पंजाब के सीएम। तो उनसे बात करें ना कि भाई उपद्रव मत करो, इससे देश की छवि खराब होती है, राज्य की छवि खराब होती है। जिन राज्यों में उपद्रव हिंसा आगजनी पत्थरबाजी होती है उन राज्यों में कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी का निवेश नहीं करेगा। पूंजी का निवेश नहीं होगा तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो राज्य में बेरोजगारी बढ़ेगी। ये क्यों नहीं समझ रहे भगवंत मान जी? समझना चाहिए इस चीज। उपद्रव मचा रहे हैं जो बॉर्डरों पर बैठे हैं किसानों, ये कह रहे हैं वो किसान नहीं है, कुछ और कोई और है। जी कथा कथित आंदोलन जीवी
अच्छा। कांग्रेस के दलाल हाँ। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट कमे है जाए आंदोलन थे हाँ। पब्लिक कमे जाको गलत संदेश सुझाव है हाँ। हमें पहले लट्ठू चला में गोली चला में चोट लगे हाँ। गोली लगे जेल जामे जाके ले प्रयास कर रहे हैं अच्छा। फंडिंग लेवे के बाद कांग्रेस थे इन जाते पहले फंडिंग लीजिए ज्यादा हाँ। जो फंडिंग करे हुए कांग्रेस के लिए फंडिंग मिली है अब जितो देखो फंडिंग मिली है तो ये भी पता होगा कितनी मिली है फंडिंग ऑनलाइन ना है भाई इनकी अच्छा इनकी ऐसे भैया जैसे आतंकवादी ने पैसा मिल चुका है अच्छा हाँ ऐसे किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं आप जी किसान कहाँ हैं फिर कौन है कितने किसान है पास बुंडोजर है हाँ। कितने की आज तक विश्व की बात कर रहा हूँ भारत छोड़ दो हाँ। कोई आंदोलन ऐसा होगा आंदोलन में जेसीबी और उन संघ लेके जामे हाँ। आंदोलन तो जो बैरिकेडिंग की हुई है उसको हटाने के लिए लेके आए हैं वो तो क्या तुम्हें यहाँ पे यूके पुलिस है कानून व्यवस्था बन रही है यहाँ पे बंद करो हाँ। क्या तुम उन्हें अपने माँ के उन्हें चांद मारोगे क्या बुंडोजर लेके आओगे क्या गोली लेके आओगे शांति से जाने पुलिस हमें रोक लिया पुलिस के गवर्नमेंट सुनो केंद्र के पास और प्रदेश से एजेंसियों के पास कोई न कोई इनपुट होगा इनपुट होगा वहां के आधार पर रोक नहीं और इनपुट के आधार पर हमेशा रोकी गई कांग्रेस तो कलपति महाराज गौ बचाव के लिए राष्ट्रीय दर्जा के लिए यहाँ आंदोलन करो इंदिरा गांधी ने गोली चलवा रही उन्हों शराब देगा तू गोली तो मारी जाएगी इंदिरा गांधी गुहाल भयो जी प्रधानमंत्री गोली ना चलवाए हो जब प्रधानमंत्री ने आंसू गैस के गोले चल रहे हैं काय के लिए बने नहीं चाहिए आंसू गैस के गोले किसके लिए बने हैं भाई इतनी पब्लिक है यहाँ चार सिपाही हम इन भाजे यहाँ चलेंगे वो तो आंसू गैस को गोला पुलिस ने देव काय हुए लेकिन वहाँ के किसान बोल रहे हैं कि हमारे बीच में से कुछ लोग जो है वो उस साइड के हैं हमारे आंदोलन खराब करने का काम कर रहे हैं वो लोग आंदोलन जी बताइए सुनिए पिछली बार जो 24 में 10 तारीख को चुनावी घोषणा आएगी लोकसभा की तो 5 के बाद 15 तक कब लोकसभा की घोषणा आ सकती है क्या 10 दिन में 15 दिन में ऐसा कोई बिल आ जाओगे एनएसपी मिल जाएगी आश्वासन तो मिलेगा पहले भी तो मिला था जब एक साल से ज्यादा बैठे थे तब हट गए थे ना आश्वासन किसी ने आश्वासन नहीं दिया किसी ने नहीं हाँ एक पप्पू और बेवकूफ राहुल गांधी जरूर दे सकते हो केंद्र सरकार ना देते केंद्र सरकार और मंत्री बार बार कह रहे युवा नेता है कांग्रेस के आप उन्हें नारे कह रहे जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाएगा ये मंत्रियों का वक्तव्य है तो कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा जी जो बात कह रहे कहा जल्दबाजी का नहीं मानो जाए तो जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा तो फिर 10 मांगे क्यों मानी है वो भी नहीं माननी चाहिए थी देखो अब तुम राहुल गांधी की बात कर रही हो हाँ, हम तो सवाल पूछ रहे हैं पप्पू है बात कर रही हो अच्छा, 10 मांग जो मान ली गई है सुनिए 10 मांग जो मान ली गई है सरसों अरेर मूंग और जो चीजें जो खानो खावे में प्रयोग करी जाती खाने के संग खावे में और जो गेहूं है वहां की रोटी बनाए गए पेट भरते है वहां का प्रयोग होता है जी जो देखो 50 बीघा खेत के किसान तक है जहाँ देश में 20% है अच्छा 35% किसान ऐसा जहाँ पे एक एकड़ खेतों मतलब 5 बीघा है 5 बीघा जो किसान निधि दे रहे हैं ये मोदी जाए बढ़ा के अगर 15,000 कर दे तो सक्षम किसान बन जावे वो सक्षम किसान बन जाओ क्या केंद्र सरकार जी चाहेगी कि जो हमारे यहाँ 400-500 रुपया की मजदूरी करे भाव 400 रुपया किलो 300 रुपया किलो को ऑटो खरीदे ऐसा संभव है आज की डेट में चलो मुद्दे पे आते नजदीक किसानों का मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव वोट पड़ेंगे किसानों पे इस बार कि नहीं देखो किसान पे तो इन 24 होगा 22 में यूपी में आने याद हो तो रहने को वहां ने कहिएगा अगले से हमने प्लेटफॉर्म बना के तैयार करके दो वहां प्रयोग ना करोगे तो मोदी विश्व को नेता है अच्छा। देश को नेता ना है विश्व हाँ। के नेता की पहचान है जी क्या दूसरे देशों को प्रधानमंत्री पैर छूत राष्ट्राध्यक्ष हाँ, हाँ, हाँ। देशन में अगर युद्ध चल रहा है तो हमें युद्ध रोक के अपने स्टूडेंट निकाल के लाभ तो गांव में दूसरे देश के पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के स्टूडेंट अगर माए तो वो तिरंगा उठा के भारत माता की जय बोल की मूसे की तरह बीच में निकले चाहता हम उन्हें उद्धार हो जाए वो कौन की डमे
प्रधानमंत्री की दमे जाते पहले आतंकवादी अंदर आके कश्मीर में उदम करते कतलेआम करते उन्नो बिरयानी खवाई जाती। अब प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और आर्मी है पूरा अधिकार हुआ का अगर अंदर आ रहे तो मोइया कमर में ऐसो गार दो के वह 72 उड़ने और पहुंचा दो। अगर वो अंदर आ जाते तो जब तक मैं ऑपरेशन चंदो इनपुट मिल जाते है क्या जब तक 72 उड़ने पास न पहुंच जाए वो जब तक मिलते है वाके बाद में पहले आतंकवादी ने को रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाती और नेता का हालत को मारो बताओते आतंकवादी है। पर आज ऐसा ना परिवर्तन हुए जी ये परिवर्तन हुए देश को प्रधानमंत्री अगर कोई योजना दे रहा हो तो हम हिंदू मुसलमान ना देख रहो हरे के दे रहे 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे तो हमें काउ अधिकारी की औकात नहीं कि 1999 कर दे आवास का पैसा सीधे पहुंच रही ठीक। राशन और तुका जो फर्जी राशन लेते गए वो सब खत्म कर दे गई जी जमीन पे काम है हुए जी तो गठबंधन ठगबंधन कर रही पर मोदी को जो गठबंधन पब्लिक के साथ है पब्लिक जानते हैं तो 24 में आ रहे हैं यानी कि फिर से मोदी जी क्या लग रहा है सर किसानों का मुद्दा रहेगा इस बार 2024 के इलेक्शन में? नहीं कोई किसानों का मुद्दा नहीं रहेगा। एक्चुअली अभी आप लोगों ने अभी तो कोई प्रश्न आपका है मुझे कोई प्रश्न पूछिए आप जो भाई 2024 के चुनाव नजदीक है कहते हैं कि हर बार कोई ना कोई मुद्दा गर्मा जाता है चुनाव के दमे में इस बार बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं इस मुद्दे का कोई भी कुछ भी कुछ नहीं होना है इस मुद्दे का कोई भी प्रभाव ये आने वाले लोकसभा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे भी कर रहा हूँ किसानों को क्यों रोका जा रहा है आप इस पर जैसे कुछ लोग आप लोग पूछते हो ना क्यों रोका जा रहा है क्या वो तो कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। इनका शांतिपूर्ण तरीका नहीं है दिल्ली पता है आपको राजधानी है दिल्ली में कई पूरे दुनिया की एम्बेसीज हैं दिल्ली में बड़े बड़े प्रतिनिधि आते हैं हमारे मतलब उसकी सुरक्षा के लिए हमें सारे कदम लेने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट कर रही है। इनका तरीका क्या होना चाहिए अगर इनको अच्छी तरह से बातचीत करनी है तो इनका कोई एक प्रतिनिधि होने चाहिए डिफरेंट जितने भी इनकी यूनियंस हैं वो अपने जो भी उनके एजेंडा है वो गवर्नमेंट के पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो अगर हम जी रहे हैं उसको रखना चाहिए लेकिन इस तरह से उधर मधन करने से कोई हल निकलेगा? लेकिन बैठक निकल रही है वो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार तक। कोई भी बैठक होती है एकदम से उसका नतीजा नहीं निकलता कुछ पॉइंट्स उसके होते हैं कुछ गवर्नमेंट के होते हैं और एक बैलेंस हमेशा कोई एक उसका निर्णय निकलता है लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो एक अच्छा तरीका नहीं है और जो अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है उसके लिए किसान जो है बहुत एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं और जो उनको गलत हुआ बहुत कम है जो उनको इस तरह से गाइड कर रहे हैं। तो 24 में फिर किसान नहीं तो फिर क्या किस आधार पर जनता जो है वो वोट देगी? देखो किसान हमारा रीढ़ की हड्डी है हम इस बात को मानते हैं लेकिन उनके इस संगठन के अंदर जो लोग घुसे हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से इसको गाइड नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इस जो जन आंदोलन आप इसको अगर किसानों का आंदोलन कह रहे हो तो उसको समर्थन दिया जा रहा है और रूप ले रहा है और 2024 का इस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना है रहेगा फिर आपके हिसाब से मुद्दा राहुल गांधी जो उठा रहे हैं मुद्दे वो रहेंगे? राहुल गांधी जी का कोई मुद्दा नहीं होता वो तो हर मुद्दे में कहीं ना कहीं चले जाते हैं जहाँ पे भी उनको तो केवल गांधी उनका वन पॉइंट प्रोग्राम होता है अपोजिशन होता है उनको कोई चीजें पता नहीं किसान उनको क्या किसान का बारे में क्या पता है वो किसान की क्या समस्या समझते हैं राहुल गांधी जी की कह रहे हैं विकास पे इस बार वोट डालेंगे बेरोजगारी पे महंगाई पे वोट डालेंगे बेरोजगारी और विकास जो उनके पॉइंट है विकास पूरा दुनिया में दिख रहा है हर आदमी को विकास का पता है और बेरोजगारी अगर उसके भी आप फिगर उठाओ तो जो कांग्रेस के टाइम पर जो बेरोजगारी थे आज की डेट में जब बीजेपी की जो 10 साल होने जा रहे हैं उसमें बेरोजगारी भी कम हुई है लोगों को खुला अपना व्यवसाय करने के अवसर मिले हैं जिसके लिए गवर्नमेंट उनको सहायता कर रही है और 2024 का चुनाव जो है वह पूरा गठबंधन का किसी भी रूप में वो आगे नहीं बढ़ेगी और जो भारतीय जनता पार्टी का 370 प्लस का जो आंकड़ा है ये जरूर आंकड़ा पार होगा। एनडीए 400 पार चलिए और लोगों को क्या लग रहा है किसानों के समर्थन में है या फिर जिस तरीके के इल्जाम किसानों पर लग रहे हैं वो उनको सही ठहरा रहे हैं? 24 के चुनाव नजदीक हैं किसानों की बात उनका मुद्दा रहेगा इस बार या नहीं? कोई मुद्दा नहीं रहेगा उनका ये किसान है ही नहीं किसान होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। कौन है फिर ये लोग? ये सब आतंकवादी है हमारे हिसाब से तो आतंकवादी है ना बिल्डोजर होते हैं किसानों के पास गाड़ी तक नहीं होती है ट्रैक्टर तक नहीं होगा अगर जो असली किसान होगा उसके पास ट्रैक्टर तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा किसान को हक नहीं है ट्रैक्टर खरीदने का? है हक लेकिन खेती बिक जाए
नहीं अगर वो ट्रैक्टर खरीद लेगा। अच्छा, जे यानी कि किसान गरीब है और गरीब ही रहेगा। गरीब ही रहेगा। अच्छा सर, भाजपा की सरकार में भी नहीं ऐसा नहीं है? फिर अगर दूसरी सरकार आ गई हाँ। तो और ज्यादा महंगाई होगी हाँ। और किसान जो है गरीब का गरीब ही रहेगा। हाँ, तो अभी भी तो गरीब ही आप कह रहे हैं? अभी अभी गरीब नहीं है हाँ। ये जो है बिल्डोजर बोले के आ रहे, हम उस मकसद से कह रहे हैं हाँ। अगर किसान आते तो शांति की वार्ता करते और शांति से बैठ के उसको समझाया जा सकता। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे क्यों आए? इससे पहले भी आए थे, लाल किला झंडा फहरा गए। अब इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहे कि हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे। अरे आना है तो सावधानी से आओ, अपनी बात रखो। वो तो बोल ही रहे कि हम शांति से आ रहे हैं लेकिन हमें आने ही नहीं दिया रहे। पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। पहले भी शांति से आ रहे थे, शांति को अशांति में फैला दिया आगे। 15 अगस्त को झंडा कहाँ किसका फहरना चाहिए और उन्होंने अपना खालिस्तान का झंडा फहराया आगे। कुछ युद्ध भी मैसेज। नाम क्या है आपका? कलीम नाम। क्या लग रहा है, 24 के चुनाव नजदीक है, बॉर्डरों पे तनाव लगातार बना हुआ है, किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहते हैं, हमें आने नहीं दिया जा रहा है, बैठकें हो रही हैं, बेनतीजा निकल रही हैं, आज सुबह भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखी गई, क्या लग रहा है चुनाव के दौरान इस तरीके की चीजें होना क्या एक मुद्दे को जन्म दे रहा है? मुद्दे को जन्म नहीं दे रहा है, मुद्दा ही है हाँ। मुद्दा ही मुद्दे को जन्म कोई नहीं दे रहा है हाँ। और इलेक्शन के टाइम पे ही प्रोटेस्ट का सही टाइम होता है। कोई सी भी सरकार हो, मान लीजिए मैं कर्नाटक में अगर प्रदर्शन करना है, अगर मैं चुनाव के टाइम पे करूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, भले से वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इसी तरीके से भी देश में चुनाव होने वाला है, पूरा देश चुनाव के मूड में होगा, तो राइट टाइम है किसी भी प्रोटेस्ट को करने का, मुझे तो सही टाइम लगता है। जो जिन्हें हम किसान बोल रहे हैं उन्हें यहाँ जिन लोगों से हमने बात की है वो आतंकवादी बता रहे हैं, सीधा साफ कह रहे हैं कि वो आतंकवादी। हाँ बताने दो, बताने से क्या होता है, मैं भी आपको कुछ भी बोल दूं उससे आप हो थोड़ी ना जाओगे। आप बोलने वालों के पास अगर कुछ प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो मैं भी और पूरे देश को उनका समर्थन करना चाहिए। वो एविडेंस लेकर के कोर्ट में जाए, उनको जेल में डलवा, इतनी अच्छी सरकार है, होम मिनिस्ट्री है अमित शाह, जेल में डालो ना उन लोगों को, क्यों खुले घूम रहे हैं ऐसे लोग अगर वो आतंकवादी है। हमारे पास हमने वीडियो देखी है, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थर टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है उनपे फोर्स पे फेंकने के लिए। जिसने देखी है उनको कोर्ट में जाना चाहिए ना, अगर देखा है तो फिर वो जेल में उनका मुखिया ही नहीं जा पा रहा है तो जेल में कहाँ ले जाएंगे, क्या कहेंगे? जब उनका जेल में मुखिया नहीं जा पा रहा आज तक, तो वो जेल में कैसे जाए? केजरीवाल की सरकार वहाँ भी है और केजरीवाल की सरकार दिल्ली में भी है, ये नहीं जा पा रहे तो वो किसान कैसे चले जाएंगे, ये बताओ। किसान तो बोल रहे हमें जाना है, राज्य से मांगने का हक होता है जो सेंट्रल से नहीं होता है, केंद्र से कम होता है। सेंट्रल बैठक क्यों कर रही है, राज्य सरकारों से मांगने का हक होता है, केंद्र से नहीं होता। 2014 में कांग्रेस के अंकल टच मत करिए प्लीज, अंकल टच मत कीजिए। 2014 में आंदोलन किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन आप अगर आप ये कहें कि केंद्र से नहीं होता है राज्य से हक होता है, 2014 में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था 2014 से पहले, जिसने पूरी सत्ता ही पलट दी, वो केंद्र के खिलाफ ही था, केंद्र से ही डिमांड थी, उसने फुलफिल नहीं की तो गवर्नमेंट पलट दी। ऐसा ही होगा 2024 में भी। राज्य से योगी ने सरकार बनी तो किसानों के माफ हुए कि नहीं? 1 लाख तक माफ करने की उन्होंने मांग की थी तो 1 लाख माफ हुए। तो ऐसे केजरीवाल ने माफ हुआ, 1 लाख कर्जा माफ हुआ, हमारा माफ हुआ। आप किसान हैं? हाँ, हम नहीं किसान, हमारे पिताजी किसान कर रहे, खेती है हमारे पास। हाँ, ट्रैक्टर है आपके पास? ट्रैक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, भाई 25-30 बीघा वाला ट्रैक्टर कहाँ रखे, ये 100-100 बीघा वाले हैं, तो अपने धरना बैठे। 25-30 वाला भी किसान ही होता है, 100 बीघा वाला भी किसान ही होता है, होते तो किसान ही है। लेकिन वो इसीलिए चाह रहे हैं कि हम अपना अनाज जो है यूपी में जाके बेचें, जाके वो यहाँ बेच नहीं पा रहे तो वहाँ भी सस्ता करेंगे जाके। कह रहे हैं कि किसान हमेशा गरीब रहता है, किसान को ट्रैक्टर लेने का कोई हक नहीं है, ये कहना है इनका, गरीब है और गरीब ही रहेगा। ऐसी सोच ही देश में देश के लिए हानिकारक है, जो ये सोचे कि किसान गरीब है गरीब ही रहेगा, तो ये वही सोच है जिस सोच के खिलाफ गांधी ने आजादी देश को दिलाई। आज भी एक गांधी देश में लड़ रहा है, वो जीतेगा, ऐसी सोच के खिलाफ। कौन है गांधी? गांधी, राहुल गांधी। न्याय यात्रा से
फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उनकी न्याय यात्रा पे हमारे देश के 10-10 मंत्री अपना मंत्रालय छोड़ करके उनकी यात्रा पे फोकस जमाए हुए हैं। राहुल गांधी कौन सा जूता पहन रहे हैं, कौन सी शर्ट पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपना भारत का जो उनका मंत्रालय मोदी जी ने दिया हुआ है उसको छोड़ करके राहुल जी उनका काम बने हुए हैं। राहुल जी आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का रोजगार देते हैं। उनको वरना काम नहीं है, बस उनको यही काम है, रोज सुबह उठो, राहुल गांधी ने क्या पहना उस पर ट्वीट कर दो, राहुल गांधी जी ने क्या खाया उस पर ट्वीट कर दो, राहुल गांधी जी युवाओं से मिल रहे हैं उस पर ट्वीट कर दो, बस यही काम है। लेकिन जो गठबंधन उन्होंने बनाया था वो तो डगमगाता हुआ दिख रहा है। आप ये मत कहिए जो गठबंधन उन्होंने बनाया था, किन्होंने बनाया था, राहुल जी ने बनाया था क्या? सभी ने सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कांग्रेस पार्टी को ही क्यों कंडेम कर रहे हो, क्यों उसे खटघरे में खड़ा कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी की, सभी पार्टी की जिम्मेदारी है जिसने बनाया, अगर वो टूटेगा तो टीएमसी नहीं करना चाहती, टीएमसी बताए क्यों नहीं करना चाहती, क्या मजबूरी है, ईडी से डरती, सीबीआई से डरती, फिर फायदा क्या हुआ उस गठबंधन का जो टूट रहा है, जो टूट रहा है गठबंधन, जैसे टीएमसी तो करना ही नहीं चाहती, इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि हो सकता है भाई इतने टाइम से बंगाल में राज कर रही है तो भ्रष्टाचार खानदान में करा होगा, भाई भतीजावाद करती है, तो ये सब चीजों में डर हो सकता है। फिर कैसे लड़ेंगे भाजपा से जब गठबंधन ही टूट जाएगा? देखो सीटें कैसे आएंगी देश में, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस टाइम पे भी यही था कैसे कांग्रेस को हटाया जाएगा, हटी ना कांग्रेस, यही होगा यही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में 2024 का इलेक्शन का चुनाव का जो है वो मुद्दा इस बार हमने रखा था, किसान मुद्दा रहेगा या नहीं इस बार के इलेक्शन में, ये हमारा सवाल था। जनता से हमने बात की है, जहां कुछ ज्यादातर लोग जो है वो भाजपा के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ का कहना ये भी है कि इस बार जो है एक गांधी ने पहले लड़ाई लड़ी थी और एक गांधी अब सड़कों पर उतर कर जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, जो आवाज उठा रहा है इस देश में जो अहम मुद्दे हैं उनके खिलाफ। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।